गुमला के पालकोट बीडीओ पर पंचायत प्रतिनिधियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और ग्रामीण विकास मंत्री से बीडीओ की शिकायत की। पंचायत प्रतिनिधियों को सिमडेगा विधायक का भी साथ मिला है। आखिर बीडीओ पर क्या है आरोप, इस रिपोर्ट में देखिए। पालकोट प्रखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला। जो है पालकोट के, वो हमसे 20,000 रुपया लिए हैं पीएम आवास देंगे कह के, और 12,000 रुपया लिए हैं ईटा का, तो वही ईंटा हमको टूटा फूटा हुआ है ईंटा दिए हैं, आज देंगे कल देंगे कह के कहा है, आज तक हमको पीएम आवास आज तक नहीं मिला है। बिना चढ़ावे नहीं होता कोई काम। हमारे प्रखंड के वीडियो हैं, वो सिर्फ यहाँ मनमानी करते हैं, और जब से ये हमारे प्रखंड में है कार्यरत, तब से हमारे प्रखंड में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिससे हम जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। प्रखंड कार्यालय में फिक्स्ड है घूस का रेट। प्रमाण पत्र बनता है, उसमें किसी से 700 रुपया लिया जाता है, किसी से 1,000 रुपया, किसी से 2,000 रुपया, और अभी फिलहाल में जो हम लोग कुआं का जो प्रशासनिक स्वीकृति जो होने वाली है, उसमें भी उनका कहना है कि प्रति कुआं में 20,000 रुपया जो देगा उसी का स्वीकृति होगी। गुमला के पालकोट प्रखंड के बीटीओ मनीष कुमार की शिकायत अब ग्रामीण विकास मंत्री तक पहुंच गई है। बीडीओ पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर विकास योजनाओं के लिए घूस मांगने का आरोप है। यही नहीं, पालकोट के दुलारी मुंडा ने तो पैसे लेने के बाद भी पीएम आवास नहीं देने। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें का आरोप लगाया है। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों ने बीटीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से बीटीओ पर कार्रवाई की मांग की है। में परसेंटेज भी लेते हैं, MBA इशू करवाने के लिए भी परसेंटेज लेते हैं, और छोटा छोटा जो कि बच्चे लोग पढ़ते हैं उसमें जाति आय में भी पैसा लेते हैं, और वृद्धा पेंशन में भी पैसा लेते हैं, और उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, किसी को जाति सूचक भी बोला जाता है, हम ही को बोला था। पंचायत प्रतिनिधियों को सिमडेगा विधायक का भी साथ मिला है। भूषण बाड़ा ने कहा है कि कई बार बीडीओ को सुधरने की चेतावनी दी गई, बावजूद वो नहीं सुधरे। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कार्रवाई नहीं की तो फिर मुख्यमंत्री के पास शिकायत की जाएगी। अगर यहाँ से काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये सारी टीम माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, और जो भी इस तरह से करतूत है, जो सरकार को इस तरह से बदनाम करने का काम कर रहा है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पंचायत प्रतिनिधियों की शिकायत पर क्या पालकोट बीडीओ पर कोई कार्रवाई होगी और होगी तो कब? सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी ही एक शिकायत हजारीबाग जिले से भी आई थी, लेकिन उस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैमरामैन विकी के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।